गुजरात में नमाज तरावी के दौरान कुछ गुंडों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, आइए इस पूरी वीडियो में जानते हैं। आपको बताते चले कि गुजरात यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल में अफ्रीका, अफगानिस्तान और कई देश के छात्र एक साथ नमाज तरावी अदा कर रहे थे। उसी वक्त हिंदू संगठन के गुंडों ने JSR का नारा लगाते हुए राम के नाम पर हथियारों से हमला कर दिया। इस बेहद शर्मनाक घटना का पूरा मामला आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि आज जो देश में घटना घटी है, जो विदेश से आए छात्र थे उनके ऊपर हमला किया गया और इस तरीके से हमला किया गया कि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि SDPI को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को और दूसरे लोगों को जब ये जानकारी मिली तो फौरी तौर पर रात को 10 बजे के आसपास SDPI हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन ये घटना ये घटी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस है उस कैंपस के अंदर विदेश के जो छात्र थे वो अपने रूम के अंदर तरावी की नमाज पढ़ रहे थे और तरावी की नमाज के दरमियान कुछ जो गुंडे थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने धर्म के नाम पे आतंक फैलाने की कोशिश की, हमला किया, हथियारों से हमला किया, उन्हें जख्मी किया, उनके रूम का सारा सामान तोड़ दिया, उनके लैपटॉप वगैरह तोड़ दिए और यहाँ तक कि उनके जो वॉलेट थे, उनके जो पैसे थे, वो सारी चीज़ें चोरी करके वहाँ से भाग गए। और जैसे ही गुजरात के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत से लोगों ने इस पर तबसरा करते हुए ट्विटर हैंडल अकाउंट पर लिखा है, जिसमें से इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ ये बात लिखी है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य में अगर कानून व्यवस्था ऐसी है कि नफरत में डूबे गुंडे गुजरात यूनिवर्सिटी में तरावी पढ़ रहे विदेशी छात्र पर हमला करके भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक क्या होगा। और ऐसे ही इस घटना पर शादाब चौहान ने भी लिखा है, सड़ा हुआ समाज मुसलमानों से नफरत में भारत की भी बेइज्जती करा रहा है। हमारे विदेशी मेहमानों के साथ गुंडागर्दी करके हम मांग करते हैं कि ऐसे गुंडों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर UPA लगाया जाए। लोग तो रास्ते पर नमाज नहीं पढ़ रहे थे, फिर भी कुछ शैतानों ने झुंड ने JSR के नारे लगाकर उनको मारा। और इसी तरह इस वीडियो के सिलसिले में पुनीत कुमार सिंह ने भी लिखा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी मुस्लिम छात्राओं के साथ भगवाधारी गुंडों ने मारपीट की और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, उनके खिलाफ नारे लगाए, क्या इस देश में बाहर का मुस्लिम छात्र सुरक्षित है मोदी जी। आप जरा इस वीडियो को भी देखिए कि जिसमें आपको कुछ लोग नमाज तरावी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो अमेरिका के न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क में खुलेआम वहां की सरकार नमाज अदा करने की परमिशन दे रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब करते हुए मुसलमानों को उनके घरों में या उनके कमरों में भी नमाज अदा करने नहीं दे रहे हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये बात ज़रूर समझ आ गई होगी कि हमारे मुल्क में दिलों के अंदर कितनी ज़्यादा नफरत भर चुकी है कि न्यूयॉर्क जैसे शहरों में खुलेआम सरकार खुद नमाज पढ़वा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अपने कमरों में या किसी मजबूरी के तहत कुछ देर के लिए सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं तो उनको लातें मारी जा रही है या हमारे मुल्क का नाम बदनाम करा रहे हैं। आखिरकार ये लोग कौन हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या आप होलसेल रेट पर खजूर ख़रीदना चाहते हैं तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के शाहीन बाग में शाहीन ड्राई फ्रूट शॉप पर। यहाँ आपको होलसेल रेट पर हर क्वालिटी की खजूरें मिलेगी, वो भी होलसेल प्राइस पर। अजवा, कलमी, सुकरी, मबरूम, कीमिया जैसी खजूरें ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर अभी राब्ता करें।